Hello children, in this video we will cover new words and their meaning, question and answer and some other exercise from the chapter Major Dhyan Chand, class 5th, Maharashtra Board. Question number 1. Guess the meaning of following words. तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं, हमें उनके meaning लिखने हैं. Water logged, meaning extremely wet. तो water logged का मतलब होता है बच्चों बहुत ज़्यादा गीला. Postpone, meaning to delay. Postpone means बच्चों delay होता है, मतलब बहुत देर हो जाना या बाद में करना. Novel, meaning new and different. Novel का मतलब होता है बच्चों नया या कुछ अलग. Barefoot, meaning not wearing any footwear. Barefoot का मतलब होता है बच्चों नंगे पैर, कोई भी footwear नहीं पहना हुआ हो. Fruitless, फ्रूटलेस मीनिंग होता है बच्चों नॉट सक्सेसफुल, मतलब कुछ आपने काम किया उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए. पाउंस मीनिंग टू अटैक समवन समथिंग बाय जंपिंग सडनली. पाउंस मतलब होता है बच्चों अचानक से कुछ किसी पे अटैक कर देना या अचानक से किसी के ऊपर कूद जाना. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनके आंसर देने हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट क्वेश्चन है होस्ट ऑफ 1936 ओलंपिक गेम. तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें ये पूछा गया है कि 1936 में ओलंपिक गेम किसने होस्ट किया था. तो आंसर है जर्मनी. जर्मनी में 1936 का ओलंपिक गेम हुआ था. पॉइंट नंबर 2, रूलर ऑफ जर्मनी. तो बच्चों पॉइंट नंबर 2 में पूछा गया है कि जर्मनी का रूलर कौन था. रूलर मीन्स राजा, शासक. तो आंसर इज हिटलर. हिटलर जो था वो रूलर था जर्मनी. पॉइंट नंबर 3, नॉट कंफर्टेबल विथ वेट ग्राउंड. तो पॉइंट नंबर 3 में पूछा गया है कि वेट मीन्स गीले ग्राउंड से कौन कंफर्टेबल नहीं था. आंसर द इंडियन टीम. 4, स्कोर द फर्स्ट गोल इन द मैच. सबसे पहला गोल किसने किया था मैच में. तो आंसर है रूप सिंह. 5, डिड नॉट लेट द पासिस गो वेस्ट. तो किसने पासिस को वेस्ट नहीं जाने दिया था. तो आंसर है प्लेयर इन द डी. पॉइंट 6 है कैप्टन ऑफ इंडियन टीम और आंसर है ध्यानचंद. तो कैप्टन कौन था बच्चों इंडियन टीम के, ध्यानचंद. पॉइंट नंबर 7 है पाउंस्ड ऑन ध्यानचंद एंड हर्ट हिम. तो कौन ध्यानचंद जी के ऊपर झपट्टे से कूदा था और उन्हें चोट पहुंचाई थी. आंसर है द जर्मन गोल कीपर. पॉइंट नंबर 8 है थर्ड टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर हॉकी. तो पॉइंट नंबर 8 में पूछा है कि तीन बार किसने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में. तो आंसर है द इंडियन टीम. 3, एक्टिविटी, फाइंड आउट हाउ द फॉलोइंग गेम्स आर प्लेड. तो बच्चों इसमें हमें यहाँ पे कुछ सारे गेम्स के नाम दिए गए हैं और हमें ये पता लगाना है कि ये सारे गेम कैसे खेले जाते हैं. तो गेम्स कौन कौन से हैं, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, कबड्डी, खो खो, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन. सो हमारा जो फर्स्ट गेम है वो है लॉन टेनिस. लॉन टेनिस इज अ रैकेट स्पोर्ट दैट कैन बी प्लेड इंडिविजुअली अगेंस्ट अ सिंगल ओपोनेंट और बिटवीन टू टीम्स ऑफ टू प्लेयर ईच ऑन अ ग्रास ग्राउंड. तो बच्चों लॉन टेनिस कैसे खेला जाता है, ये काइंड ऑफ बैडमिंटन की तरह ही दिखता है. उसमें क्या होता है कि दो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खेल सकते हैं या दो दो लोगों की टीम बना के एक दूसरे के अगेंस्ट खेल सकते हैं ग्रास ग्राउंड में. ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज टू मनोवर द बॉल इन सच ए वे दैट द ओपोनेंट इज नॉट एबल टू प्ले अ वैलिड रिटर्न. तो हम बैडमिंटन में जैसे खेलते हैं बच्चों कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को क्या करता है, कॉक मार के भेजता है. इसी तरह लॉन टेनिस में एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को क्या करता है, बॉल भेजता है और वो ये कोशिश करता है कि जो दूसरा प्लेयर है वो अच्छे से उस बॉल को ना मार पाए. द प्लेयर हु इज अनएबल टू रिटर्न द बॉल विल नॉट गेन अ पॉइंट व्हाइल द अपोजिट प्लेयर विन. तो क्या होता है कि जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल मार के उसके कोर्ट में भेजता है और जो अपोजिट साइड में प्लेयर खड़ा है अगर वो दोबारा से ही उसी बॉल को मार के दोबारा उस प्लेयर को नहीं भेज पाता तो क्या होता है कि वो एक पॉइंट लूज कर देता है और जो नहीं जिसको बॉल दोबारा नहीं मिलती है प्लेयर को वो क्या हो जाता है, वो एक पॉइंट जीत जाता है. टेबल टेनिस ऑल्सो नोन एज पिंग पोंग इज अ स्पोर्ट्स इन विच टू और फोर प्लेयर्स हिट अ लाइट वेट बॉल ऑल्सो नोन एज पिंग पोंग बॉल.
back and forth across a table using small rackets. तो बच्चों table tennis में क्या होता है कि दो player होते हैं या four players होते हैं जो एक बहुत light weighted ball को जिसको table tennis ball भी बोलते हैं या ping pong ball बोलते हैं उसको एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं एक small racket के से. The game takes place on a hard table divided by net. और जो ये गेम है बच्चों वो एक हार्ड टेबल पे होता है जो नेट से डिवाइड होती है. अ पॉइंट इज स्कोर्ड व्हेन अ प्लेयर फेल्स टू रिटर्न द बॉल विद इन द रूल्स. और क्या होता है कि एक पॉइंट जीत जाता है अपोजिट टीम का प्लेयर जब वो बॉल फेंकता है और अपोजिट टीम का प्लेयर उसको रिटर्न बॉल नहीं फेंक पाता. प्ले इज फास्ट एंड डिमांड क्विक रिएक्शन. और इसमें क्या है कि ये गेम जो है बहुत फास्ट होता है और बहुत जल्दी जल्दी आपको बॉल अपोजिट साइड में भेजनी पड़ती है. कबड्डी. अ स्मॉल फील्ड रिक्वायर्ड टू प्ले कबड्डी. तो कबड्डी खेलने के लिए क्या होता है बच्चों एक स्मॉल फील्ड छोटा सा फील्ड की ज़रूरत होती है. एंड टू कबड्डी टीम्स आर रिक्वायर्ड. और दो कबड्डी टीम होती है. ईच टीम हैज 7-7 प्लेयर्स इन द कबड्डी. और दोनों टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं 7-7. इन मिडल ऑफ द फील्ड ऑफ कबड्डी अ लाइन इज ड्रॉन विच इंडिकेट्स द ट्रंक ऑफ बोथ द टीम्स. और क्या होता है उस फील्ड के बीच में एक लाइन डाली जाती है जिससे दोनों टीम अपने अपने कोर्ट में रहें. इन दिस गेम अ प्लेयर ऑफ वन टीम गोज टू द अपोजिशन टीम कबड्डी बाय सेइंग अ वर्ड और फेस मेनी टाइम्स अगेन एंड अगेन. तो कबड्डी में क्या होता है कि एक टीम से प्लेयर दूसरे अपोजिट टीम की कोर्ट में जाता है और वो कोई भी एक वर्ड या फेस बोलता है लाइक कबड्डी कबड्डी या कुछ भी वर्ड्स बोलता है मेनी टाइम्स अगेन एंड अगेन दोबारा दोबारा. एंड ही टचेज अपोनेंट्स ऑफ टीम एंड ट्राइज टू कम बैक टू हिज साइड. और वो क्या करता है कि वो अपोजिट टीम के प्लेयर्स को टच करके वापस अपनी कोर्ट में अपनी टीम के साइड आने का ट्राई करता है. इफ़ ही सक्सीड इन इट हिज टीम गेट वन पॉइंट. और अगर कोई प्लेयर ऐसा कर लेता है तो उस पूरी टीम को क्या होता है कि एक पॉइंट मिलता है. और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो अपोजिट टीम को एक पॉइंट मिलता है. और जिस टीम के पास सबसे ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं वो टीम क्या होती है मैच जीत जाती है. खोखो. खोखो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम एंड इट इज़ इन्वेंटेड इन महाराष्ट्र इंडिया. तो खोखो क्या है बच्चों कि बहुत पुराना गेम है और ये कहाँ पे सबसे पहले या कहाँ से खेलना शुरू हुआ था ये महाराष्ट्र इंडिया में सबसे पहले खेलना शुरू हुआ था. ईच टीम हैज़ 12 प्लेयर ऑफ विच 9 प्लेयर्स सिट इन अ रो और देयर नीस. और हर टीम में कितने लोग होते हैं 12 प्लेयर्स होते हैं. उनमें से जो 9 प्लेयर हैं वो क्या होते हैं वो एक रो में बैठते हैं अपने नीस के ऊपर. एंड 3 प्लेयर्स रन अराउंड अवॉइडिंग बींग टच बाई प्लेयर्स ऑफ अदर टीम. और जो बाकी के 3 बचे हुए हैं वो इधर उधर रन करते हैं ताकि उन्हें दूसरी अपोजिट टीम के प्लेयर्स टच ना करें. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टैग गेम. और खो खो को टैग गेम भी कहा जाता है. हॉकी. हॉकी इज ऑल्सो द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. हॉकी इज अ आउटडोर गेम प्लेड बाय 2 अपोजिंग टीम ऑफ 11 प्लेयर्स ईच हु यूज स्टिक कवर्ड एट अ स्ट्राइकिंग एंड टू हिट अ स्मॉल हार्ड बॉल इन टू देयर ओपोनेंट्स गोल. इट इज कॉल्ड फील्ड हॉकी टू डिस्टिंग्स इट फ्रॉम द सिमिलर गेम प्लेड ऑन आइस. हॉकी क्या है बच्चों वो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी है. और हॉकी क्या है आउटडोर गेम है जिसमें 2 अपोजिट टीम होती हैं और दोनों अपोजिट टीम में 11-11 प्लेयर्स होते हैं जो एक स्टिक के थ्रू खेलते हैं. और वो स्टिक कैसी होती है नीचे से कर्व होती है. आप सब ने हॉकी स्टिक देखी होगी ठीक है. और उससे क्या करते हैं कि एक बॉल होती है हार्ड बॉल जिसको वो अपने अपोजिट टीम के गोल में फेंकते हैं और पॉइंट्स अर्न करते हैं. फुटबॉल. द गेम इज प्लेड यूजिंग अ स्पेरिकल बॉल ऑफ 68-70 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस नोन एज द फुटबॉल. The two teams of 11 players each compete to get the ball into the other's team goal between the post and under the bar, thereby scoring a goal. Football game की जो ball होती है बच्चों वो 68 या 70 centimeter circumference की होती है उसको football बोलते हैं. और दो team होती हैं और दोनों team में क्या होते हैं 11-11 players होते हैं और वो उस ball को अपने पैर से kick करके opposite team के goal में डालते हैं ताकि उन्हें पॉइंट मिले. और जिसको ज़्यादा पॉइंट मिलता है उसे गोल बोलते हैं और वो टीम जीत जाती है. बैडमिंटन. बैडमिंटन इज़ अ स्पोर्ट ऑफ 2 और 4 पीपल. द गेम इज़ ईदर 1 प्लेयर अगेंस्ट 1 प्लेयर
or a team of two players against another team of two players. The aim of the game is to hit the shuttlecock over the net in a way that the other player or team cannot hit it back properly before it hits the floor. बैडमिंटन गेम में क्या होता है कि दो प्लेयर होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट खेलते हैं, या फोर प्लेयर होते हैं जिसमें टू टू टीम बना के एक दूसरे के अपोजिट खेलते हैं, और उनका मकसद क्या होता है कि जो शटर कॉक होती है उसको वो नेट के ऊपर से फेंकें ताकि जो अपोजिट टीम का पर्सन है या जो अपोजिट टीम है वो उस कॉक को ढंग से हिट ना कर पाए और वो फ्लोर पर गिर जाए, ताकि अपोजिट टीम फिर से पॉइंट जीत जाए या पॉइंट स्कोर कर ले. Point 4. Language study. Read the highlighted words. They are verbs. The goalkeeper pounced on Dhyan Chand and hurt him. Now, find at least 5 another verbs from the passage. Verb. A verb that expresses an action or a state of being. Verb is also known as action word. Example. Action. She walked towards her home. State of being. Dhruv was a circus performer. तो बच्चों, जो मैंने 5 verb इस पैसेज में से देख के लिखे हैं वो हैं score, succeed, removed, stare, drew. Use the following phrases in your own sentences. Phrases means बच्चों जहाँ पे एक और दो words दिए गए होते हैं या मुहावरे. तो यहाँ पे हमें कुछ phrases दिए हैं, उनको हमें क्या करना है, अपने sentences में बना के लिखना है. सो बच्चों, यहाँ पे जो फेजेस दिए गए हैं वो हैं बी श्योर ऑफ, मतलब सुनिश्चित करना, ट्राई वंस लेवल बेस्ट, अपनी पूरी तरह से कोशिश करना, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, टर्न डाउन द ऑफर, किसी के दिए हुए प्रस्ताव को मना कर देना. सो फर्स्ट फेज है बी श्योर ऑफ. शी लुक्ड ओवर हर शोल्डर टू बी श्योर ऑफ हर फुटिंग. ट्राई वंस लेवल बेस्ट. He tried his level best to win the competition. At any cost. Duryodhan wanted to win the battle of Kurukshetra at any cost. Turn down the offer. Karan turned down the offer given by Kunti. Children, if you have any doubt related to this chapter, kindly write it down in comment box. Also, subscribe, like and share this channel. Thank you.